वेलकम बैक गाइस। तो प्रीवियस जो वर गया ये बहुत ही मस्त सा वर गया था। तो मस्त सा क्योंकि क्योंकि जो क्लैन है एनिमी क्लैन ये भी बहुत अच्छा क्लैन आया था और बहुत बढ़िया टक्कर दिया हम लोगों को, और हमने भी टक्कर दिया बहुत बढ़िया। उनने भी पूरा सब बेस को थ्रीस्टर कर दिया, हम लोगों ने भी सबको थ्रीस्टर कर दिया। वैसे एक चीज़ है, एक ही बंदे का पूरा क्लैन है इनका और इसका नाम है जोनेल 09 करके एक, आप देख सकते हो कितना सेम सेम नाम से कितना बेस है। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 10 अकाउंट में से 6 अकाउंट ही उसका है और एक ही बंदे ने पूरा अटैक किया, एक ही बंदे ने पूरा बेस को सबको क्लियर किया। तो हम लोगों ने भी बहुत बढ़िया टक्कर दिया। तो हम लोगों का जो अच्छा कुछ अटैक है ये आप एक बार देख सकते हो, ये नंबर 4 का एलन उज्जैन के द्वारा अटैक किया गया। तो इसमें हाइब्रिड किया गया था, हॉक माइनर हाइब्रिड। वैसे ये बेस ज़्यादा मैक्स नहीं है, लेआउट अच्छा था, अच्छा खासा लेआउट है। मैक्स होता तो टक्कर मिलता, मगर जैसे कि आप देख सकते हो ये तो टाउन 12 का बेस है, डिफेंस ज़्यादा मैक्स आउट नहीं है, स्केलर वगैरह सिर्फ मैक्स आउट है। तो इस बेस में प्लान किया क्या है करने का, इधर से क्वीन डालो, क्लैन के सेल निकालो, टाउन हॉल को टेक डाउन करो, आउटसाइड फाइनल करके बेबी का जो पार्ट है इस पार्ट से आप हाइब्रिड आराम से डाल दो। और यही है नॉर्मल सा प्लान, अभी देखते हैं ये कैसा होता है अटैक। अभी कॉर्नर का, अरे भाई साहब क्वीन का एबिलिटी चला गया, लगता है क्वीन टाउन हॉल नहीं निकाल पाएगी, तो अभी प्लान को चेंज करना ही पड़ेगा। तो अभी प्लान चेंज हो चुका है, आपके पास हरदम कोई ऑल्टरनेटिव प्लान रहना चाहिए, प्लान बी भी रहना चाहिए। तो इसमें प्लान बी क्या हुआ, जैसे कि क्वीन ने टाउन हॉल नहीं निकाल पाया इसीलिए हाइब्रिड आएगा टाउन हॉल के ऊपर, ताकि हाइब्रिड टाउन हॉल को तोड़ते हुए आराम से जाए, और इधर से आउटसाइड फनल बनेगा। और एक ही है प्रोसेस, इस कोने से डालो और उस कोने से हाइब्रिड करना था, अभी टाउन हॉल के ऊपर से हाइब्रिड कर दिया। इधर से किंग जाएगा आउटसाइड क्लियर करेगा ताकि हाइब्रिड आर्मी बाहर ना आए, और बाकी का हाइब्रिड आर्मी सब कोर में पुश करेगा। तो ये बेस किसी तरह थ्रेस्टर हो गया। तो हमेशा आप लोगों के पास एक प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रेटजी बनाओ तब भी देखना पड़ेगा, अगर गलती से कोई भी स्टेप मिस हो गया या फिर कोई स्टेप में एक्सीडेंटली कुछ हो गया तो आप दूसरे प्लान को एप्लीकेबल करना पड़ता है या फिर रखना चाहिए ऐसा कुछ प्लान। तो ये तो बेस 3 स्टार हो गया। अभी चेकआउट करते हैं नंबर 2 का रिप्ले, और 2 पे देखता हूँ कि हाँ 2 पे हुआ है सुपर ड्रैगन क्लोन के साथ। ये आर्मी हम लोगों की क्लैन पे चल रहा है बहुत दिनों से और स्ट्रॉन्ग भी है बहुत ज़्यादा। तो इसमें सिंपल सा प्लान है, इधर हीरोज़ है सब एयर डिफेंस का आसपास में, तो एक हेड हंटर लिया गया है ताकि हीरोज़ को डाउन कर दिया जाए, और प्लान है इधर आउटसाइड फनल होगा बेबी से और किंग और क्वीन इस साइड जाएगा, कोर पे जाएगा ड्रैगन ईगल के ऊपर से, और टाउन हॉल के ऊपर बेटल ब्लिम पहुँचाया जाएगा इस साइड से, और इस जो जगह है इसको क्लोन से लिया जाएगा, बस यही प्लान है। तो बेबी भी आ चुका है हम लोगों का, और किंग भी डैमेज हो चुका है जल्द से जल्द। रॉयल चैम्पियन अभी भी होल्ड पे है, रॉयल चैम्पियन और बैटल ब्लिम, तो बैटल ब्लिम को छोड़ा गया अभी। अभी रेज एक डाला जाएगा इधर और एक क्लोन आएगा, एक नहीं सॉरी सारे क्लोन आएंगे, और क्लोन को थोड़ा उधर खिसकाया दिया गया है क्योंकि टाउन ईगल के ऊपर चला जाए, हीरोज और एयर स्वीपर को भी ले ले, गजब प्लेन लगाया गया है इधर। और रॉयल चैम्पियन भी ड्रॉप कर दिया गया है, स्केटर को रॉयल चैम्पियन ने ले लिया, एयर डिफेंस भी डाउन हो चुका है, एक स्वीपर बचा है ये भी डाउन हो चुका है, ईगल बचा है अभी। तो बेस में तो अभी लगभग लगभग 70% तक क्लियर हो चुका है, और एक मल्टी टारगेट इन्फनो बचा है, तो मुझे नहीं लगता ये मल्टी टारगेट कुछ उखाड़ पाएगा रॉयल चैम्पियन का। हाँ रॉयल चैम्पियन ने आराम से टेक डाउन कर लिया। तो ये भी बेस 3 स्टार है,
और हम लोगों का रिप्ले दिखाया जा सकता था, मगर हम लोगों ने नहीं दिखाया बिकॉज हम लोगों का जो बेस है वो पब्लिक हो जाएंगे, इसीलिए हम लोगों का जो हमारे ऊपर जो डिफेंस अटैक हुआ इसका रिप्ले नहीं दिखाऊंगा। ये भी बेस ट्विस्टर हो गया। अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट अटैक। और नेक्स्ट अटैक क्या, मैंने एक नंबर पर तो इस बेस में वही सेम आर्मी यूज़ किया मैंने, एक ड्रैगन के साथ बेबी ड्रैगन। इधर से आउटसाइड फनल बनेंगे और उधर से किंग क्वीन और नॉर्मल सा स्पैम है। वैसे इतना खास इस ड्रैगन से इधर फनल लेंगे, आउटसाइड को क्लियर करेंगे इस ड्रैगन से, और इधर किंग और क्वीन से आउटसाइड लेंगे, और इधर कोर पे हम लोगों का मेन आर्मी आएगा किल्स पर। और आरसी होल्ड है अभी भी, तो आरसी को डाला उधर किंग क्वीन के साथ, क्योंकि तो एक एयर डिफेंस था अंदर जिसको एक्सेस नहीं मिलता, तो ये हो गया। मगर इसमें एक गलती हो गया, क्लैन के सिल बाहर निकल गया, तो क्लैन के सिल रॉयल चैम्पियन ने नहीं निकाला, किंग ने निकाला था। और इधर से बैटल ब्लीम भी आ चुका है टाउन हॉल के ऊपर, और इधर टेस्ला नहीं, वो बिल्डर का जो बेस है सारे ड्रोन के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और इन्फर्नो भी चला गया, एक एयर डिफेंस बचा है और वो भी टेक डाउन। एयर सुपर बड़ी दिक्कत दे रहे हैं, तो एयर सुपर भी बेलून के द्वारा टेक डाउन हो चुका है, तो अभी बचा है एक स्कैटर शॉट। तो स्कैटर शॉट को मुझे जहाँ तक लगता है रॉयल चैम्पियन निकाल लेगा आराम से। हाँ निकल चुका है। और भाई साहब ये तो बेस खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा अभी, तो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं थोड़ा। उनने जितना टक्कर दिया हम लोगों के, मतलब हम लोगों के अटैक के टाइप इतना टक्कर नहीं लगा मुझे, क्योंकि बेस उतना अच्छा नहीं था उन लोगों का, ठीक ठाक था, मैक्स ही था, ठीक ठाक था। और इधर आप देख सकते हो सारे मिलके इनको धूल चटा चुके हैं। तो गाइस ये वीडियो इतना तक ही था, और हम लोगों का देख सकते हो सारे बेस भी थ्री स्टार हो चुका है, ड्रॉ हुआ है मैच। और ये वीडियो इतना तक था। अच्छा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।